वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास मुहैया कराया जाए। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो एक तो सर बड़ी वजह ये है सर, लेकिन सर क्योंकि बीच में जो मौसम थोड़ा खराब हुआ था, अब मौसम अच्छा हो गया है सर, अब मजदूर वापस काम पे आ रहे हैं बड़ी संख्या में सर। पिछले हमने सर एक हफ्ते में ये देखा है कि मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी है। आपको 45,000 लोगों को 9 दिन का काम सर, लेकिन कोई बिल्कुल देखता नहीं है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा इसमें राजस्थान में लोगों ने 100 दिन का रोजगार पाया है, लेकिन वो भी संख्या बहुत छोटी है, 6 लाख की है। और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, 5.5 लाख। हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, 5 लाख। मेरा ये मानना है कि आप लोग अगर हफ्ते भर 10 दिन इस पे सीडीओ साहबान ने अगर इसको खुद से देख लिया तो हम लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे। मतलब अभी 5 लाख पे हैं, 4-5 लाख लोगों को जो 90-95 दिन का काम पूरा कर रखे हैं उनको मजदूर इशू करके हम तुरंत नंबर 1 पे आ सकते हैं। 80 दिन से ऊपर काम करने वालों की संख्या यूपी में लगभग 25 लाख है। तो ये थोड़ा सा सभी सीडीओ साहबान को देखना है और इसको पुश करना है। जो टारगेट दिया गया है, जैसे मिर्जापुर को 40,000 दिया गया है, अभी 7,000 आपने अचीव किया है। आप हफ्ते भर जरा इस पे लग जाइए, सभी वीडियोस के पीछे ये अचीव करने की कोशिश करिए। अभी कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से नरेगा में आप लोग घटा दे रहे हैं। यानी पहले बगैर CMAY और PMAY का हम लोग 18-20 लाख पे चलते थे, अब PMAY CMAY लेकर भी हम लोग 12-13 लाख पे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? काम मिला है, अगर आपके आवास के बेनिफिशियरी 7,000 ऐसे हैं जिन्होंने 90 दिन का काम कर रखा है, तो आवास के अगेंस्ट आप 10 दिन का मस्टर देंगे तो उसका 100 हो जाएगा। ये तो नहीं कर रहे हैं साहब।